ग्राम पाराघाट विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर से करीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे सौरीन बाई द्वारा बताया जा रहा है कि उसका राशन कार्ड 8 साल से नहीं बना है और वो 20 रुपये किलो से चावल खरीद कर खाती है। उसके पति पेंटर का काम करते हैं और सौरीन बाई सिलाई का काम करती है। ऐसे इन लोगों का जीवन यापन चल रहा है। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि हर महिला के नाम पे राशन कार्ड बनना चाहिए। राशन कार्ड नहीं बने हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, रोजी मजदूरी कर रहा हूँ, 3 ठो बच्चा है। यहाँ सरपंच के पास गए हैं तो सरपंच नहीं बना इस कार्ड, लड़ाई झगड़ा करके ये कर दिए, इस पैसा दे नहीं पाए हमन, ओकर वजह से हमारा कार्ड नहीं बना। इस हमन बहुत गरीब हन, हमन की रोजी मजदूरी ये नहीं पाए, ये नहीं हो पाए। क्या काम करती हैं आप? सिलाई उलाई थी, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, रोजी मजदूरी करते हैं। चावल नहीं मिलता तो कैसे करके लेते हैं आप लोग चावल? दुकान से लेते हैं, 16 रुपया किलो में लेते हैं दुकान से। राशन कार्ड नहीं बन पाया। राशन सामान नहीं मिलने से आप लोग कैसे चावल लेते हैं? रोजी मजदूरी करते हैं, उन्हीं में से बस लेते हैं, जो जितना पाते हैं उसका तो उसमें चला जाता है चावल में। हमको जो राशन से मिल रहा है लाभ वो नहीं मिल पाता है, तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। कितने बार गए हैं ब्लॉक? कितने बार गए हैं ब्लॉक? तो 3-4 बार गया हूँ मैं। सचिव और सरपंच बनाएंगे बोल के बोल देते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ पर वापस आ जाते हैं, हाँ बाद में बनाएंगे बनाएंगे बस बोल रहे हैं, उसके बाद में बना ही नहीं रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि बिलासपुर जिला के फूड इंस्पेक्टर विजय किरण का मोबाइल नंबर 999-327-9993 को कॉल कर दबाव बनाएं ताकि सौरीन बाई का राशन कार्ड बनने पाए। मैं हूँ वृंदा आजाद, बिलासपुर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।